And welcome back to Zor Ka Jod. And this was a brilliant performance, a debut, another debut. Ek debut team Pakistan mein hua tha, and this debut here for the hosting. Yes, so welcome on board, Mushtaq Ahmed. Thank you very much. Thank you. So yes, ab yehi ek. This is one important question because Fakhar Zaman Khan has come in the mix of Pakistan now. क्योंकि ऑफिशियल अब ये हो गया है दैट नसीम शाह वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एशिया कप स्क्वाड एनी मोर. और एशिया कप में अब आपको नसीम फीचर करते हुए नहीं दिखेंगे. जमान खान को बुला लिया गया है पाकिस्तान से. बट लाला, हम जमान की बात कर रहे हैं. जमान को तो एक इंजरी रिप्लेसमेंट पे बुला लिया गया है. वसीम जूनियर अभी तक हैं स्क्वाड में. क्या सबसे पहले हम मोहम्मद वसीम जूनियर की तरफ देखेंगे या जमान खान की तरफ देखेंगे? और जमान खान की तरफ देखेंगे तो वुड इट बी डिसअपॉइंटिंग फॉर मोहम्मद वसीम जूनियर? देखें, यहाँ पे जो है ना, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पे वसीम का रोल डिफरेंट है. जमान नए बॉल का बॉलर है और जमान की जो आखिरी की ओवर्स हैं, तीन चार जो भी रहते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है. अगर T20 का फॉर्मेट देखें, सिचुएशन T20 ही हो जाती है आखिरी की 8-10 ओवर. तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो सबसे जबरदस्त चॉइस है. गेम अवेयरनेस उसको अपनी बॉलिंग का बहुत अच्छा पता है. ये बड़ी बात होती है एक नए प्लेयर के लिए कि आती है उसको अपनी बॉलिंग का इतना पता, और खासतौर पर डेप्थ के ओवर जो मुश्किल होते हैं वो उसको बहुत अच्छा पता है. तो जहां पे क्योंकि नसीम शाह नया बॉल करता था, तो उसकी जगह नसीम शाह, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को, इसलिए कि शाहीन के साथ उसका पेयर बना हुआ था और दोनों ही विकेट टेकर बॉलर थे. तो साथ में इसकी जो जगह है जमान की, ये मेरे ख्याल में अर्ली ऑन नए बॉल को इस्तेमाल करना आता है, इसको आउट करने आते हैं प्लेयर्स को. वैसे जमान खान की जो आपने लास्ट ओवर की बात की, मुशी भाई देखिए, कंट्रोल तो है उस लड़के के पास. 9 रन 9 आखिरी ओवर में जो है डिफेंड करना इन अ T20 कॉन्टेस्ट बहुत मुश्किल काम होता है. और जमान ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा अपनी टीम के लिए इसी तरह का लास्ट ओवर किया है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट कमिंग इन टू अ लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम, आपको लगता है कि इस टेस्ट पे जमान खान पूरा उतर सकेंगे? आई थिंक क्वेश्चन मार्क जरूर है, मगर उसकी एबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं है जी. उसको शायद 50 ओवर के गेम का अभी इतनी अवेयरनेस ना हो. ये लेना होता है काम आपने, आपकी मैनेजमेंट ने, आपके कप्तान ने, कब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है. 50 ओवर 10 ओवर करने हैं उसने, जिसमें मिनी टेस्ट बात की करते हैं ना, मिनी टेस्ट. तो आई थिंक जो शाहिद ने बात की है, आई एग्री विद हिम, कि आखिरी 3 ओवर जो उसने PSL में लाहौर कलंदर के खिलाफ हारे हुए मैच, लाहौर कलंदर को जिता दिए थे उसने, मतलब 5-5, 7-7 रन नहीं होने दिए उसने. एक मैच तो वो हमारे खिलाफ ही खेला और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके 9 रन. अब उन विकेटों के ऊपर बैट्समैन सेट हैं. तो बल्कि मैं तो एक शो के ऊपर, समा के शो के ऊपर, मुझे याद है कि शाह उसने पूछा, मैंने कहा जी मैंने अभी एक क्वेश्चन करना जमान से, तो कहता है जी मुशी भाई, जोर का जोड़ ही था. तो जोर के जोड़ में मैंने कहा जमान मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ. कहता क्या? मैं कहा जब मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच खेलो तो ना खेला करो, क्योंकि वो दूसरी दफा उसने जिता दिया था. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक बहुत अच्छा बॉलर है. अब होपफुली उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए. बीच में उसको इस्तेमाल किया जाए, जब विकेट की जरूरत हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए, रन्स रोकने हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए. उसको स्ट्राइकर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ना कि उसको जिस तरह नॉर्मल बॉलर होते हैं. जब भी कप्तान को चाहिए विकेट चाहिए होगी, ब्रेक थ्रू के लिए दो तीन ओवर का स्पेल करवाएंगे. बट मेरा तो यही आइडिया, बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड. सबसे खूबसूरत उसकी चीज़ अल्लाह ने जो उसको अता की है, उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है. बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, जैसे शायद ने कहा ना, उसको अपनी बॉलिंग का पता है, मेंटली स्ट्रांग. इरम, हम क्योंकि देखिए जमान जो है वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था. अचानक ही इज बीन कॉल्ड फॉर टीम पाकिस्तान. अगर तो हम कल के मैच में जमान को देखते हैं खेलते हुए, मतलब दिस इज अ डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान. जीते तो फाइनल में, हारे तो गॉड फॉरबिड, अगर हम नहीं जीत पाए तो फिर हमारे लिए मुश्किलात कि हम फाइनल ऑफ एशिया कप नहीं खेल सकेंगे. मुश्किल होता है जहन बनाना. बट फिर हमारे पास KL राहुल की एग्जांपल है कि उनको तो सुबह ही बताया गया था और उनकी तो किट मंगाई गई थी. बिल्कुल जी, वो तो बिल्कुल रेडी नहीं थे. उनको एंड पे उनको बताया और मैनेजर जाके उनका सारा क्रिकेट बैटिंग का जो उनका कोई स्पेशल सामान होता है वो लेके आए. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जमान खान प्रैक्टिस में नहीं है. वो खेलते चले आ रहे हैं और एक प्लेयर के लिए यही है कि उसको कभी भी कॉल आ जाए उसको ऑल द टाइम रेडी रहना है. और जिस तरह का इनका स्लिंगी एक्शन है, देखिए हमारे पाकिस्तान के ये प्लेयर्स हैं, हमारा फख्र है, और ये हमेशा इन्होंने पाकिस्तान को हर जगह हर जितवाया. हमारी दुआएं इनके साथ हैं और इन विकेट्स में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि लाके मारते हैं और इनका एक्शन भी थोड़ा सा चेंज है. तो ये पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पाकिस्तान टीम के लिए होंगे इंशाल्लाह. जमान खान, आपका मैं फिर से जवाब इस पे जानना चाहूंगी, इस दफा अलग लैंग्वेज. लेट मी एक्सप्लेन. ओके, यस.
नहीं, जबरदस्त बॉलर हाँ। इसमें कोई शक नहीं, और इन लोग मुशी भाई वगैरह तो साथ खेले हैं, देखा भी उसको, उसकी जो बॉलिंग का एक्शन, एक तो ये सबसे बड़ा उसको एज है, ऑकवर्ड है, बड़ा मुश्किल है, कैसे रीड करेंगे आप। उसके बाद उसकी बॉलिंग में वैरायटी है, उन्हें आप बॉल भी करता है, डेप बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, यॉर्कर्स हैं, स्लो बॉल करता है, पेस उसकी बहुत अच्छी है, यानी कि स्लो है, 140 प्लस बॉलिंग करता है वो। मेरा ख्याल है कि अगर उसको मौका मिलेगा तो वो मायूस नहीं करेगा, बेहतर बॉलिंग करेगा। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, कल श्रीलंका की कंडीशंस की बात हो रही है। मुशी भाई, श्रीलंका की कंडीशंस, श्रीलंका बड़ी स्ट्रॉन्ग है उसमें, बट जिस तरह कल इंडिया ने डीकोड किया, वुड दैट बी अ ब्लूप्रिंट फॉर पाकिस्तान के जो इंडिया ने जिस तरह एग्जीक्यूट किया, हमारे स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बस ऑन द गिवन डे दे नीड टू परफॉर्म वेल, जिस तरह एग्जीक्यूट किया, इसी प्लान से जाएं और इसी तरह एग्जीक्यूट करें और हैंडल करें श्रीलंका? एब्सोल्युटली, मेक इट सिंपल, बेसिक्स पे आ जाएं। और मुझे लगता है यहाँ पे फिंगर स्पिनर का बहुत रोल है, मैं बार बार हम यही बात कर रहे थे कि इन श्रीलंकन पिचों के ऊपर लेग स्पिनर से भी ज़्यादा कई दफ़ा आपका इफेक्टिव जो होते हैं ना फिंगर स्पिनर होते हैं। जैसे आप जडेजा को देखा आपने, वो तेज़ तेज़ कर रहा था, उनका स्पिनर देखा, श्रीलंका का स्पिनर देखा, उसने भी तेज़ तेज़ आके एंगल से किया। नवाज़ कैन बी अ वेरी वेरी गुड रोल इन, नवाज़ कैन प्ले, कल खेलेगा मुझे लग रहा है, खेल नवाज़ खेलेगा मुझे ये अब, मतलब आई नो यूसुफ के जैसी कल थी उसमें हो ही नहीं सकता कि, और हो सकता है यूसुफ ने श्रीलंका से कवा खरीद लिया हो, उस कवे ने रिपोर्ट, उस कवे ने रिपोर्ट दे दी हो यूसुफ को, क्योंकि ये ख्वाजा तो नहीं आ रहा हाथ में, ख्वाजा हाथ में वो तो नहीं, तो नवाज के चांसेस तो उड़ गई, नहीं नहीं कवे के असल में जो विकेट देखी है मुझे, सॉरी उसमें लग रहा है कि नवाज भी इंडक्ट हो। अच्छा काका, एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर नवाज खेलता है, श्रीलंकन बैट्समैन कितने खब्बे हैं? खब्बे कितने हैं? अगर 3-4 खब्बे होंगे फिर एक ओपनर है, नहीं अगर ये बात होती तो इनके पास तो तीनों ही खब्बे थे, इंडियंस ने तीनों खब्बे खिलाए हुए थे, ये ऐसा नहीं भाई, लोगों की क्लैरिटी के लिए खब्बा राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है, खब्बा थे खब्बा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड खब्बा, इंडिया ने तीनों लेफ्ट हैंड बॉलर, लेफ्ट हैंड की बात कर, मेरा ख्याल है देखें हमारे पास वैरायटी आ जाएगी ना, ये भी है, इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेगा, ये भी हो जाएगा, तो काफी वैरायटी हो जाएगी, और मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह की विकेट थी ऐसी ही विकेट देंगे वो, पाकिस्तान के खिलाफ तेज तो बनाएंगे नहीं वो। अब शादाब के उसामा मीर, उसामा मीर, हाँ ये टफ क्वेश्चन है, मेरा वाली थी, मैंने मिलियन डॉलर क्वेश्चन, मेरे मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और मेरा ख्याल है कि आगे से जवाब भी सही आना चाहिए, बताएं। मुझे लग रहा है, जो मुझे लग रहा है कि शायद अभी शादाब ही जाएगा, मुझे लग रहा है। मुशी भाई, आई थिंक अब शादाब को एक और मौका देना चाहिए, आई एम विद उसामा मीर, उसामा मीर होने चाहिए, इरम उसामा मीर, ताकि हम वर्ल्ड कप से पहले पहले भी इन पे प्रेशर डाल के भी देख लेना, इन प्लेयर्स पे भी याद रहे कि ये डू और डाई सिचुएशन है, लेकिन ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके फाइनल का, वो रिदम नहीं आ रहा उसका, वो गैदर फॉलो थ्रू उसका रन अप, उसमें वो प्रॉपर रिदम नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है उसामा मीर को चांस दे लें कि वो बिल्कुल फ्रेश होंगे तो शायद अच्छा डिलीवर कर सके।